हर टाइम रहती है। शायद आपका फोन कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाए, चाहे आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए, आप अपने डेली लाइफ में जो भी करते हो इज बिकॉज ऑफ योर थॉट। ग्रो हो जाएंगे, आपकी पोजीशन ग्रो हो जाएगी, बट आप एज अ पर्सन तभी ग्रो होगे जब आप अपने अंदर अपना खुद का वैल्यू सिस्टम बनाओगे। तो हेलो पीपल, हम आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ 5-6 चीज़ों के बारे में जो हर किसी को करनी चाहिए, फिर आपकी एज चाहे 20 हो, 22 हो, 30 हो या 50 के हो, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हर कॉमन पर्सन कर सकता है और उन्हें करना भी चाहिए फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर वेलबींग। अब हम आज के टाइम पे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम सिर्फ जॉब, पैसे कमाने और उसको खर्च करने में एकदम ही व्यस्त हो चुके हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं टू लिव अ बेटर लाइफ। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अ ह्यूमन बुक, जहाँ पे मैं हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ के बारे में कुछ पोस्ट करता हूँ। सो इफ यू वांट टू बी अपडेटेड ऑन एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कि हम कौन सी चीज़ें, कौन सी हैबिट है छोटी छोटी जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज़ राइटिंग डायरी और वी कैन से कि जर्नल। तो उस जर्नल में आप क्या कर सकते हो कि आज आपने क्या किया, आप अपने डेली लाइफ के बारे में लिखते हो। अभी बहुत कूल सा लगता है कि हम मूवीज में देखते हैं कि हीरो या हीरोइन डायरीज लिख रहे हैं, बट व्हाट इफ वी इंप्लीमेंट आर रियल लाइफ। हम मूवीज देख तो लेते हैं, एंजॉय तो कर लेते हैं, अपने आपको एंटरटेन तो कर लेते हैं, बट क्या हम उससे कुछ गेन कर रहे हैं, क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं। तो जो डायरी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मूवीज में दिखाया जाता है, बट बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप डायरीज लिखते हो यू बिकम मोर फोकस्ड, फिर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो कि वॉट यू हैव डन इन द पास्ट 24 आवर्स। और जब भी आप जर्नल लिखते हो ट्राई टू राइट इन द नाइट सोने से पहले, कि अपने माइंड को आप बता रहे हो कि हाँ अब सोने का वक्त आ गया है और ये दिन भी अभी ख़त्म होने वाला है, आज मैंने क्या किया उसका अपने डायरी में लिखा। इससे तो दो चीज़ें, तो एक तो आपका फोकस इंप्रूव होता है और दूसरी क्या होती है कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई आपने डिफरेंट स्टेज अपने लाइफ में क्या क्या किया, सो डैट कि आज से कुछ साल बाद जब आप पीछे डायरीज को पढ़ो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उस टाइम में मैंने क्या किया, उस टाइम मैं किस पोजीशन पे था, उस टाइम मैं क्या कर रहा था। तो एक वो चीज़ है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, साथ में आप फोकस भी बढ़ते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट डेट एवरी शुड इंक्लूड, चाहे आप बच्चे हो, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आप लिख सकते हो, आप जॉब करते हो तो भी लिख सकते हो, आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप लिख सकते हो कि आज का दिन कैसा गया, आज आपने अपने पार्टनर से कैसे बात करी, आपके घर या आपके घर वालों से आपका व्यवहार कैसा था, आपसे कितने लोग खुश थे, कितने लोग दुखी थे, आप क्या खुश थे, आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको खुशी मिली, ऐसा आज आपने क्या किया जिससे आपको खुशी मिली। नाउ द सेकंड वन इज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। अब हमें रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, बट अगर हम देखें कि नेचर को, नेचर इज द प्योरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। नेचर कभी आपको दिखावा नहीं करता, लाइक अगर आप रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हो क्या होता है, उसको इतना अच्छा सजा के, इतना ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि हम उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। बट हमारी एक नेचर चीज़ है जिसको कोई बनावट नहीं है, इसको भगवान ने बनाया हो वैसे ही है, और अगर आप नेचर में जाके बैठते हो वो इतनी ही प्यारी चीज़ होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों के अराउंड होगे तो आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आएंगे, अगर आप दिखावटी चीज़ों करोगे तो आप भी दिखावा ही करोगे। तो आई थिंक नेचर इज़ द वन थिंग जहाँ पे हम सभी को अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और हमें इस धरती ने पैदा किया, हमें इस भगवान ने, इस नेचर ने हमें यहाँ पे सर्वाइव किया है, हमें एक लाइफ दी है, तो क्यों नहीं हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक हम सभी को 10-15 मिनट बाहर जाके किसी पार्क में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपके आसपास पेड़ हो, जहाँ पे नेचर करता था, वहाँ पे ज़रूर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हो, आई वुड से कि 3-4 महीने में एक बार आप ट्रिप करके आ सकते हो, किसी वाइल्ड लाइफ या सफारी में जाके अपना ट्रिप करके आ जाओ, एंड यू विल फील गुड आफ्टर दैट। नाउ द थर्ड वन इज़ स्ट्रेचिंग योर बॉडी। अब ये जो हैबिट है ये हर किसी को, चाहे छोटा चाहे बच्चा, करना चाहिए। अगर आप 1-2 घंटे नहीं दे पा रहे हो, आई थिंक 15 मिनट दे सकते हो अपने बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी बॉडी एक चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, हर सेकंड, उस 24 घंटे में हर टाइम रहती है। शायद आपका फ़ोन कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाए, चाहे आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए एक 24 घंटे में, बट आपकी बॉडी हमेशा आपके साथ रहती है, और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सब सोचते हो कि मैं आगे बहुत बड़े सपने देखते हो, बट अगर आप फिट नहीं हो और अपनी अपनी बॉडी का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो शायद वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा वर्कआउट कर लें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करने, नहीं, आप चाहो तो नॉर्मल योगा, कैलिस्थेनिक्स, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फिटनेस जिसको आप कर सकते हो। तो स्टार्ट गिविंग 15-20 मिनट्स फॉर योर बॉडी। नाउ द फोर्थ वन इज़ हैविंग अ गुड फूड एंड अ न्यूट्रिशन। अब एक चीज़ देखो, आज के टाइम पे मैं कई सिटीज़ में गया, मैंने वहाँ पे देखा कि लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। बाहर की चीज़ें खाने में कोई बुराई नहीं है, बट बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। आप देखते हो हर सिटी में कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो गया, इतना यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो गई है, जस्ट थिंक कि आप सिर्फ सांस ले रहे हो, एयर ले रहे हो, तो आपको इतनी तबीयत खराब हो जा रही है। जब आप बाहर के अनहेल्दी फूड्स, वो जो तेल में
पता नहीं वो तेल कितने महीने का, जब उसको अपनी बॉडी में ले रहोगे तो वो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान कर रही होगी। थिंक अबाउट इट। सेम विथ जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, राइट। अब नॉनवेज खाते क्या होता है, किसी एनिमल का फ्लैश होता है, राइट, उसके में खून है, मसल्स है, अब उसको आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। अब शायद कुछ लोगों के और इसमें थॉट्स हो सकते हैं कि प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, दैट इज़ अनदर थिंग, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं प्रिफर नहीं करता हूँ कि मैं किसी कोई ऐसी चीज़ अपने शरीर के अंदर डालूंगा जो मेरे बॉडी को नुकसान करेगी, जब मेरे पास इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे पास हरी सब्जियां, हमारे पास फ्रूट्स हैं, हम जूस पी सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जब हम ये चीज़ें खा सकते हैं तो हम ऐसी चीज़ क्यों लें जो हमारी बॉडी को नुकसान दे। तो हैविंग अ गुड फूड एंड अ न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी खा रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट कि जो आप खा रहे हो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है या आपके शरीर को फ़ायदा कर रहा है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ मेडिटेशन। अब इस मेडिटेशन के बारे में बोलने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। लड़का था, वो एक गुरु के पास गया और उसने पूछा कि ये लाइफ आप ऐसे जीते कैसे हो। तो उन्होंने उसको खुद से बताया, उन्होंने कहा कि एक और ऋषि के पास जाओ, तो वहाँ पे और उनके यहाँ देख कुछ रह गया। वो वहाँ पे गया एंड उसने देखा कि कुछ दिन तो वो बहुत ही नॉर्मल जी रहे थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, बट उन्होंने एक चीज़ ये देखा कि वो रात को बर्तन धुलते थे, फिर सुबह उठ के फिर बर्तन धुलते थे। तो उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगता है रात में बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए और सुबह मुझे लगता है कि शायद उसमें धूल जम गई, इसलिए मैं उसको साफ़ करता हूँ, जिसको वो रात में साफ़ करते थे। और उन्होंने कहा कि यही चीज़ हमारे साथ भी होनी चाहिए, कि जो हमारे थॉट्स हैं अगर हम उसको रात में सोने से पहले नहीं साफ़ करेंगे और सुबह उठने से पहले नहीं साफ़ करेंगे, तो सेम हमारी कंडीशन रहेगी कि हमारे पास अच्छे थॉट्स और हमारा अच्छा दिन नहीं जाएगा। मेडिटेशन एट द एंड ऑफ द डे, कि जब आप सोने जा रहे हो उससे 5-10 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो, और जब उठ रहे हो तो 5-10 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो, जस्ट लाइक जैसे वो सोने से पहले बर्तन धुलते थे और उठने के बाद धुलते थे, सो डैट जो धूल जमी है वो हट जाए। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी करते हो इज बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा विचार, आपके जैसे थॉट्स होते हैं वैसा आपका दिन जाता है और वैसे ही आप काम कर रहे हो। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप काम भी अच्छा नहीं करोगे, अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपका दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने थॉट्स को साफ रखें, हम अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स रखें और हमेशा आगे ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करें। नाउ द सिक्स्थ वन इज सेटिंग अ क्लियर गोल। इंसान है, राइट, और हम अगर हमारे पास कुछ काम नहीं होगा तो हम बोर हो जाएंगे या हम कुछ फालतू काम करेंगे। जैसे कि आपने वो कोट भी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो हैविंग अ क्लियर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली बैठ के करोगे क्या, तो लेट्स सेट अ क्लियर गोल। कोई एक गोल ले लेते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कि आप आगे आने वाले 6-7 महीने में अपने फिटनेस पे काम करना चाहते हो, या आगे आने वाले 6-7 महीने में इंग्लिश सीखना चाहते हो, या आगे आने वाले 6-7 महीने में आप कोई काम करना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग, बट वो गोल सेट होना चाहिए और आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ 6-7 महीने मुझे इसी चीज़ पे काम करें और किसी चीज़ पे नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और सिर्फ खाना पीने ठीक है, मेडिटेशन इज़ एवरीथिंग गुड, बट उसके बाद जो टाइम उसको क्या करोगे, क्या सिर्फ सो के बिताना चाहते हो। आई थिंक सो के कितने 24 घंटे कोई सो पाता है, नहीं सो पाते हो। मैक्स 8-8 घंटे आप सो सकते हो, उसके बाद स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल। जब तक आपके पास एक क्लियर गोल नहीं होगा, एक आपने क्लियर गोल सेट नहीं किया होगा, तब तक आपके पास कोई एक चीज़ नहीं होगी कि भाई अच्छा मुझे करना क्या एक्चुअली में। एक क्लियर गोल सेट करो एंड थिंक कि उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। नाउ द सेवेंथ वन इज रीडिंग अ बुक। अब ये चीज़ जो है ना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, बट आई वुड से कि स्टिल स्टार्ट रीडिंग अ बुक। और रीडिंग अ बुक एक नहीं कि आपने वो मैगजीन्स उठा लिए, समथिंग जिससे आपके थॉट्स बने। अब इंसान 2-3 चीज़ों से ही सीखता है, एक पढ़ के, सुन के, देख के, या लोगों से बात करके। जब आप पढ़ोगे तभी तो आपके पास नए थॉट्स आएंगे, तभी तो आपके पास कुछ बातें होंगी जो आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हो, वरना आप यूं ही दूसरों की बात करते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक रीड करो, वीडियोस देखते हो। आई वुड से कि वीडियोस ऐसे इंगेजिंग हो जाते हैं कि फिर आप एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हो, फिर नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट देखते हो। अगर आप बुक्स रीड करते हो, नॉट मैं ऑडियो बुक की बात नहीं कर रहा, इस हैविंग अ ओन एक अपना खुद का बुक, फिजिकल बुक जिसको आप पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो, इससे 2-3 चीज़ें होती है। पहले तो जब पढ़ रहे थे तो एक चीज़ ये होती है कि आपके आईज़ की एक्सरसाइज होती है, थर्ड कि आपका माइंड उस चीज़ को कन्वर्ट करता है, आपका माइंड समझने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, तो आपका माइंड सोचता था कि ये है क्या, क्यूरियोसिटी आती है अंदर कि ठीक है पता करो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एंड आई थिंक अगर आप फोन में देखते हो तो होता है कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना फोन साइड में रखो फॉर 30 मिनट्स, ट्राई टू रीड 1 पेज ऑफ अ बुक और 2 पेज ऑफ अ बुक पर डे। और मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत महान बनना है, बट एटलीस्ट वी कैन ऐड सम हैबिट्स जो हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करेंगी। एंड सी, आपके पैसे ग्रो हो जाएंगे, आपकी पोजीशन ग्रो हो जाएगी, बट आप एज अ पर्सन तभी ग्रो होगे जब आप अपने अंदर कुछ हैबिट्स रखोगे, कुछ अपना खुद का वैल्यू सिस्टम बनाओगे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट विल ऐड अ वैल्यू सिस्टम इन योर सेल्फ एंड इन योर लाइफ। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स थी, आई थिंक स्टूडेंट्स को तो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ। तो आज की वीडियो मैं यही खत्म करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस कीप स्माइलिंग।